दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में और मैं हूँ रेचा। देखिए आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो चलिए देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो अगर हम बात करें तो हाल ही में देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, सुरक्षात्मक कदम के अंतर्गत देश की विभिन्न जेलों से लगभग 11,070 विचाराधारी कैदियों को रिहा कर दिया गया है और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा जिसे NALSA के अनुसार COVID-19 के कारण देश के विभिन्न जेलों में भीड़ को कम करने के लिए मिशन के तहत ये कदम क्या है उठाया गया है। चलिए देख लेते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। तो भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था और राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका क्या होता है, मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। उसके बाद राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण संविधान के अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एवं अवसर की समानता के आधार पर न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुक्त कानूनी सहयोग प्राप्त करने का क्या है प्रावधान करता है। और यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1) और विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को क्या करता है, बाध्य करता है। देख लेते हैं इसके कार्य यानी नालसा के कार्य देखते हैं। तो नालसा का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना है। नालसा संपूर्ण भारत में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और दिशा निर्देश निर्गत करता है और नालसा के द्वारा सुपात्र लोगों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है और इसके अंतर्गत महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक, विकलांग व्यक्ति, बेगार और अवैध मानव व्यापार के शिकार, हिरासत में रखे गए लोग क्या हैं, शामिल हैं। देख लेते हैं नालसा का उपविभाग क्या है आखिर। तो नालसा का मुख्य रूप से क्या है, राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुका कानूनी सहायता समितियों आदि का क्या है उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण देखते हैं तो भारत के हर राज्य में नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए समाज के गरीब व कमजोर वर्गों को क्या है, निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए क्या है, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का क्या है गठन किया गया है। उसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता संबंधित कार्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नेक्स्ट है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इसमें हर जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। नेक्स्ट है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर एक जिले के जिला न्यायालय के परिसर में स्थित है और इसकी अध्यक्षता से संबंधित कार्य जिले के जिला न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तालुका विधि सेवा समिति। तो अगर हम इसकी बात करें तो तालुका या मंडल के लिए तालुका विधि सेवा का गठन किया जाता है और हर एक तालुका विधि सेवा समिति का संचालन एक वरिष्ठ सिविल जज करते हैं जो कि इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और जो समिति के अधिकारी क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। COVID-19 के कारण हाल ही में देश के विभिन्न जेलों को भीड़ के कम करने के लिए 11,070 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1887 के तहत किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा सही है, केवल एक।
कैसे इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। तो हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए सुरक्षात्मक कदम के अंतर्गत देश की विभिन्न जेलों से लगभग 11,070 विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया गया है और भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था, ना कि 1887। इसलिए कथन दो जो है वो असत्य है, जबकि कथन एक सत्य है। इसलिए आंसर जो ए है वो क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट डे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।